कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव को मिला बीजेपी का साथ, सपा प्रमुख के समर्थन में आए वरिष्ठ नेता। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का साथ मिला है। बीजेपी नेता ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान के संदर्भ में प्रतिक्रिया दी और सपा नेता का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कमलनाथ के अखिलेश व अखिलेश वाले बयान पर कहा, ओबीसी समाज के प्रति कांग्रेस का ये असली चेहरा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ वे देश में पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं। उनका मान सम्मान रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस इतने बड़े नेता के साथ ऐसा कर रही है तो नॉर्मल ओबीसी लोगों के साथ क्या करेगी। सीट शेयरिंग हुआ था संग्राम। मध्य प्रदेश में विधानसभा 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है, लेकिन प्रदेश की सियासत अभी भी गर्माई हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अखिलेश यादव को लेकर कमलनाथ के अखिलेश व अखिलेश वाले बयान पर हमला बोला और इसे ओबीसी का अपमान बताया। दरअसल में प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस आमने सामने आ गई थी। इस दौरान दोनों ही दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला बोला था और सपा ने प्रदेश की 71 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। अखिलेश ने कांग्रेस पर बोला हमला, इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से ही गुटबाजी और अंतर्कलह के चलते सुर्खियों में रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान ये गुटबाजी खुलकर सामने आई। अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। इस दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच भाषाई मर्यादाएं भी तार तार हुई। अखिलेश यादव ने बीते दिनों मध्य प्रदेश के दौरे दौरान कहा, कांग्रेस और भाजपा ने मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई लेकिन लोग दुखी रहे। कांग्रेस अपने विधायकों को लूटने से नहीं बचा सकी, भाजपा ने उन्हें लूट लिया। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।